पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग भाई। बहुत बुरा हाल चल रहा है। रात को अपना काम तो हो गया था सारा वाला, चीज़ें दल गई थी, लेकिन अभी एक नई लोकेशन हमने रात में ही जो है ना सोचा था जाएंगे। इत्तेफाक से हो गया गुड नाइट वाला। मुँह भी नहीं धोया, इतना मुँह धोया, वीडियो बना रहा। हालत ऐसी हो जाती भाई, और बहुत बुरी हालत हो जाती है समटाइम। अभी कैंपिंग अपनी सही कर रहे हैं, कैंपिंग अभी जो है ना खोल रहे हैं, कैंपिंग हट जाए तो फिर आपको बताएंगे मैं कौन सी जगह पर हूँ। तो अभी फ़िलहाल आज का दिन स्टार्ट हो गया है बहुत ही अजीब तरीके से भाई। रात को जो है ना क्लच प्लेट्स वगैरह डलवाने के बाद गिलगित में ही हमने एक जगह जो है वो कैंपिंग कर ली थी। सामान पैक हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, अनदर डे स्टार्ट होगा आज। बस अब फिलहाल ललतर से वापसी का जो रास्ता था उसके बाद ख़त्म करते हैं। अनदर थॉट्स, अनदर होप्स, अनदर डेस्टिनेशंस, और साथ साथ अनदर बहुत सारा फन। तो सीन कुछ ऐसा है कि रात वाली नलतर वाली कहानियाँ तो आपने देख ली। तो हम वापस आए गिलगित, और गिलगित में हमने फिर रात में स्टे किया अगेन। और रात में स्टे करने के बाद अब ऐसा सीन हुआ है कि हम एक जगह रुके, उसका नाम है कारगा नल्ला, और यहाँ से गिलगित का पूरा व्यू नज़र आता है। तो अब इस जगह को मैंने सोचा कि यार देखो, अब हम ये सोच के निकले थे कि हम कुछ नया नया करेंगे, वो कारगा नाला रुके हैं। और यहाँ पर अब इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, इस वक्त मैं बुधा पे मौजूद हूँ, बुधा नाला है यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे कारगा नाला है। तो गिलगित के जो लोग हैं, यहाँ पे हमारा एक दोस्त मिला हमें, राजा, उसने यार बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, बहुत हमें मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, बहुत तफरी करवाई। और अभी हम जिस जगह बैठे हैं बुधा नाला की जगह है, और यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें भी मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आप क्या समझ रहे हो, बहुत कीमती कदीम ज़माने की चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। और ये तकरीबन ये कह रहे हैं कि 2000 साल पुराना सेटअप है यहाँ पे सारी चीज़ का। तो 2000 साल पुराने सेटअप की वजह से ना यहाँ पे इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया है, गिलगित म्यूज़ियम के नाम से, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे थोड़ा सा इनको कोऑपरेट किया, तो उन्होंने इस पर थोड़ा सा काम कर लिया। और यहाँ पर वो चक्की मौजूद है जो पानी डालने से चलती है, और बहुत सारी चीज़ें। और ऊपर जो है वो ये बता रहे हैं कि ऊपर अभी हम हिल पे जाएंगे, टॉप पे हिल व्यू पॉइंट जो है वहाँ जाएंगे। तो मैं भी आपको पूरे कारगा नल्ला का विज़िट कराता हूँ, चक्की दिखाता हूँ कौन सी चक्की है, और व्यू पॉइंट, और जो इन्होंने बताया कि ऊपर हिल के ऊपर कुछ नक्शा निगार हुआ है, बहुत सालों पुराना है, तो वो भी चल के दिखाता हूँ आपको। तो चलते हैं हम कारगा नाला, बुधा नाला की विजिट करने, और कारगा नाला को ऊपर से व्यू दिखाने। तो एंजॉय करें मेरे साथ। और ये आबशार जो है इन्होंने, ये पहाड़ का पानी आ रहा है,
इन्होंने इसको डेकोरेट किया तरीके से बना के, और ये पूरा मैं आपको अभी इसका एक छोटा सा स्लोमो बना के भी दिखाता हूँ। तो ये एक जो है वो बहुत अच्छी जगह है, और मैं अभी आपको ग्राउंड भी कहता हूँ, हमने रात में कैंपिंग भी यहीं की थी, तो आपने देखी ली होगी, मैं आपको भी जगह दिखाऊँ। चल, ये हमारी बाइक खड़ी हुई है, और मैं आपको अभी थोड़ा सा म्यूज़ियम के बारे में, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो बेचारे हमारे हेलमेट कैसे पड़े हैं, और ये है इनकी हिस्ट्री ऑफ कार का पुतला। और होप कि आप लोगों ने बहुत कम इस जगह के बारे में सुना होगा, और ये गिलगित की सबसे हाई चोटी है, उसके ऊपर ये इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सा भी बनाया है, और इन्होंने ये एंट्रेंस दिए, और अभी ज़्यादा कोई टाइम पुराना नहीं हुआ इनको, इन्होंने अभी 2 साल पहले इसको डेवलप किया प्रॉपर तरीके से, और डेवलप करने के बाद इन्होंने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बनाई। ये इन्होंने यहाँ पर एक ऐसे रूम बनाए हैं जो गर्म और ठंडे के हिसाब से, आइए ठंडे के हिसाब से बने हुए, और हमारा सामान ऑलमोस्ट रेडी हो गया। एक वो बना हुआ है, ये बना हुआ है, इसको हम अंदर से दिखाते हैं आपको। इसकी क्या खासियत है? ये एप्पल है, इन्होंने एक छोटा सा एप्पल बनाया और उसके अंदर रूम बनाया, और हमारे पास चार्ज कर रही है, अंदर साउंड मिल रहा है, बाहर का करके जा रहा है, बट अभी तो नहीं गा सकते। चलो आगे देखो, और एक इन्होंने ये हिस्सा बनाया, एक एप्पल यहाँ अनार बनाया, बल्कि तो भाई वो एप्पल था, ये अनार है, पोमीग्रेनेट एप्पल, आपको बताइए सेम बना हुआ। तो भाई चलते हैं, अब चलते हैं भाई, अब चलते हैं उज़ैर भाई के साथ। ये उज़ैर भाई हैं हमारे, ये यहाँ पर होते हैं, और भाई ने बड़ी मोहब्बत से हमें सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी है। अब ये ले जा रहे हैं हमें कहाँ पे, कौन सी चक्की है वो? चक्की सर पुराने ज़माने की है, पुराने ज़माने की चक्की है, जो उसकी खासियत क्या है बताओ भाई? पानी से वो घूमती है। कहाँ पर रखी है? कहाँ है वो? चलो अब चलते हैं भाई, पानी वाली चक्की को आटा गूंदती है, पुराने ज़माने की, बहुत कदीम ज़माने की, इनके पास बहुत कदीम ज़माने की चीज़ें हैं, वो हम देखते हैं। इनको ऑफिस ही मतलब इतना कदीम ज़माने का लग रहा है, तो हम चलते हैं इस ऑफिस के अंदर, और एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं, ये चक्की है, मकई डाली हुई, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये है चक्की, और ये इन्होंने इसमें मकई डाली भी, और मकई जो है वो ये आटा या जो भी वट एवर ये चाहें पीसना चाहें तो ये पीसते हैं। ये बहुत ही कदीम ज़माने की है, और ये इसका लकड़ी का ये देखें सेटअप बना हुआ है पूरा, ऊपर टॉप पे टॉप से इन्होंने यहाँ मकई शकई जो इन्होंने डाली हुई है वो, और उसके बाद जो है वो इनका क्या चीज़ें, अच्छा एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ये गाय के चमड़े की बहुत टाइट चीज़ बनी हुई है, इससे ये लस्सी वगैरह ये सारी चीज़ें शेक करते हैं, और वो बनाते हैं लस्सी वगैरह शेक वगैरह करते हैं, और ये सब चीज़ें ये प्लेटें हैं पुराने ज़माने की, जो इन्होंने खुदाई के टाइम पे जो चीज़ें निकली हैं इनकी तो इन्होंने जमा करके रखी हैं, जो ब्रेक हैं टोटली ब्रेक हैं, और कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें इनके पास रखी हैं। अब हम चलते हैं बेसिकली ऊपर, ऊपर चलते हैं क्योंकि ऊपर जाना इसलिए ज़रूरी है कि ऊपर का जो व्यू है ना वो बहुत ही कोई क्लास है, और ये यार बहुत खूबसूरत जगह लगी मुझे, ये बुद्धा नाला जो जगह है खूबसूरत बहुत है। अब हम चलते हैं इसको ऊपर की तरफ। अच्छा अब ये भाई आपकी सीढ़ियाँ देख ली, अभी हम इस वक्त काफ़ी ऊपर आ गए और बहुत नीचे। अब मैं आपको पहले यहाँ से सबसे पहले बुद्धा नाला के बारे में जो चीज़ें हैं ना पहले वो डिफाइन कर दूँ, उसके बाद वो कारगर नाला भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो चलते हैं ऊपर मस्जिद, और ये देखें आप इस वक्त हम कितने टॉप पर हैं, बहुत ज़्यादा टॉप पर हैं। नीचे से नाला बह रहा है पूरा, यानी कि पानी जो है वो हम लोग इसको नाम इन्होंने ऐसा दिया बुद्धा नाला, तो इस वजह से तो नाला कह रहे हैं, बाकी तो बहुत चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ बेटे कमाल की, बुद्धिज़्म लोग जो होते थे वो अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ें बनाते थे, तो एक छोटा सा व्यू दिखा रहा हूँ इस पहाड़ के ऊपर, जो बहुत ही
नीचे से देखें, नीचे से देखें, बहुत ऊपर बना हुआ है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें, एक बुद्धिज़्म का एक निशान बना हुआ है, बुद्धिज़्म का एक निशान बना हुआ है, और वो निशान जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये खुद इन्होंने नहीं बनाया, ये 2000 साल कुछ समथिंग पुराना बना हुआ है, जो बुद्धिज़्म वाले लोग जो होते थे वो बनाते थे, उनके अकीदत हैं, उनके मामलात हैं, वो जाने। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा इलाका है, और हमें इससे पता लगता है कि भाई बुद्धिज़्म के दौर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामला जो है वो चलते थे। तो फ़िलहाल मैं आपको एक गिलगित का भी व्यू पॉइंट दिखाता हूँ, और अभी रास्ते में गिलगित की बहुत सारी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो आपने देखा भाई बुद्धा नाला, और वो जो व्यू है, कौन सा वाला व्यू भाई? कारगा नाला। वो वाला जो व्यू नज़र आ रहा है ना, वो है कारगा नाला। ये है बुद्धा नाला जाम खड़े में, कारगा नाला बोरा, वो जो बह रहा है, मैं इसका भी थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ। और क्लोजअप दिखाने के बाद, दिखाने से पहले मैं आपको उदयर भाई से मिलवाता हूँ, मिलवाया मैंने आपको नीचे भी दिखाया जिन्होंने गाइड किया, तो इनसे मैंने कुछ चीज़ें पूछी हैं आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई कैसे करना। ये हैं उदयर भाई, यहाँ पे हमारे तीन बहुत अच्छे दोस्त हमें मिले, उजैर मिला, मुजम्मिल मिला, और राजा बहुत ज़्यादा उसने कोऑपरेट किया हमारे साथ। इनका सिनेरियो क्या है, देखिए हर जगह हर कोई हर तरीके से जो है ना वो गाइड्स करता है चीज़ों को। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हो, आप गिलगित आओ। मैं डिस्क्रिप्शन में उजैर का, राजा का भी और मुजम्मिल का भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, फ़ोन नंबर। आप गिलगित सिटी आते हो और गिलगित सिटी क्रॉस करते हो, चले आते हो, स्पेशली मैं बाइकर्स को बता रहा हूँ ये बात, बाइकर फैमिली वाले भी, लेकिन स्पेशली बाइकर्स को भी बता रहा हूँ, फैमिली वाले, क्योंकि दोनों ही स्पेशली हो गए। तो अगर फैमिली के साथ हो तो भी इनको फ़ोन करो, ये आपको गिलगित एयरपोर्ट से रिसीव कर लेंगे, कारगा नाला लेकर आएंगे, बुद्धा नाला लेकर आएंगे, और इनके पास ऊपर वो कदीम ज़माने के बहुत पुराने बुद्धिज़्म के ज़माने के जो है ना वो घर बने हुए, तो ये वो आपको वहाँ भी विज़िट कराएंगे सब जगह। और बाकी जो आप अपनी जो भी खुशी से इनको कोई चार्जेस पे करना चाहते हो, कुछ भी, ये लोग मतलब खुद से कुछ नहीं मांगते इतना, तो अगर आप देना चाहो तो आप इनकी मेहनत देखने के बाद वो आपके खुद ही जो भी चीज़ पे करना चाहो वो कर लो। ये इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया ऐसा, ये हम बता रहे हैं। तो आप उजैर भाई से मिलो, इनसे यहाँ ले लो। मैं कहता हूँ कि जैसे हम भी गिलगित स्टे नहीं किया था, हमने एक रात स्टे करने का सोचा था, बट किया नहीं, हम निकल गए थे नलतर। नलतर पर आपने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें वापस आना पड़ा नलतर से गिलगित। गिलगित आने के बाद फिर हमने ये जगह विज़िट की, बुद्धा नाला, कारगा नाला, ये सब जगह विज़िट की, और विज़िट करने के बाद हमें ये लोग मिले, बहुत मज़ा आया, हम इनके साथ रात गुजार के, बड़ा चिल माहौल था, कैंपिंग की हमने, बहुत मज़ा किया। तो उदयर भाई के साथ आप कांटेक्ट करें और ये आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे, पुराने ज़माने की बहुत सी चीज़ें, कदीम ज़माने की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, जो बुद्धिज़्म के हवाले से है। तो आज का जो बुद्धा नाला का ब्लॉग है वो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, क्योंकि अब मज़ीद जो है ना हमारे पास टाइम कम है, हमें आगे निकलना है नलतर। वो एक तो नलतर दिमाग पे चढ़ गया भाई, ऐसा दिमाग पे चढ़ गया है नलतर, ऐसी हालत हुई है वहाँ पे। तो अब हम हुंजा जाएंगे ना, तो हुंजा जाने के लिए हमें निकलना है, अभी आगे ब्रेकफास्ट वगैरह कोई चीज़ देखेंगे अगर रस्ते में दिल चाह, वरना तो नॉन स्टॉप हुंजा जाने का प्लान है। यहाँ से हुंजा निकलें, और अब जो हमारा बुद्धा नाला से जो नया ब्लॉग शुरू होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग जो हमारा आने वाला है वो आएगा बुद्धा नाला टू यानी गिलगित टू हुंजा, और हुंजा में जाके हम जो मज़े करते हैं, जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब बटन। सो गाइस, कीप सपोर्ट, कीप वॉचिंग, और मज़ीद एपिसोड देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो, आती रहेंगी इंशाल्लाह। और पूरा पाकिस्तान टूर पे जैसे मैंने आपको बताया था यार, मैं यूनिक चीज़ें लेकर आऊँगा, तो ये एक ऐसी यूनिक चीज़ हमें मिली है, ये कुदरती है, ये हमारा लाने का कोई इतना खास प्लान नहीं था। अहमद भाई ने बताया था कि लिस्ट में हम इसको शायद चलेंगे, लेकिन हमारा कोई इरादा बना नहीं था, हम चले गए, इसकी हो चुका था, कुदरती ये हमने किया। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़।